कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की दूसरी मीटिंग आज, अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने किया अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित लाने का वादा। मंगलवार को सीसीएस की बैठक में अजीत डोवल, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। तालिबान नेता मुल्ला बरादर तालिबानियों के साथ कतर से कंधा पहुंचा। तालिबान ने कहा वो जल्द ऐसा समझौता करेंगे जिसके जरिए देश में इस्लामी सरकार की स्थापना होगी। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने कहा मैं हूं देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति। तालिबान ने शांति बनाए रखने की अपील की है, महिलाओं से नौकरी में हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होगा। दिल्ली रेप मामले में टाइम्स नाउ नव भारत की खबर का असर। कानून मंत्री किरण रिजिजू, पीयूष गोयल सहित स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना। समित पात्रा ने टाइम्स नाउ नव भारत के खुलासे को लेकर तारीफ की, सराहना करते हुए कहा टाइम्स नाउ नव भारत ने सही मायने में पत्रकारिता की। पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ घटना के लाहौर में जिंदा हवेली में हुई। बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान, 24 सितंबर से शुरू होगा इलेक्शन, 11 फेज में कराया जाएगा चुनाव। इन एसोसिएशन विद सनफ्लेम होम अप्लायंसेस, डिजाइन फॉर परफेक्शन, सनफ्लेम द क्लियर चॉइस। इन एसोसिएशन विद जर्म ऑफ सरफेस क्लीनर, जर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस ऑन। और एयरलाइन के बाद रुख करते हैं टाइम स्टॉप 100 का, आपके साथ हूं मैं अमित सिंह। सीसीएस की दूसरी मीटिंग आज, अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होने की संभावना। आज सीसीएस की दूसरी मीटिंग होनी है और आज भी मीटिंग में अफगानिस्तान पर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित लाने का वादा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में भारतीयों के अलावा सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। मंगलवार को सीसीएस की बैठक में अजीत डोवाल, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृहमंत्री अमित शाह शामिल। तालिबान नेता मुल्ला बरादर तालिबानियों के साथ कतर से कंधार पहुंच चुका है। मुल्ला बरादर के साथ मोहम्मद फजल भी कंधार पहुंचा। मुल्ला फजल पहली तालिबान सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर था। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने कहा कि मैं देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने कहा कि वो आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर अभी भी अफगानिस्तान का आधिकारिक झंडा लगा हुआ है। तालिबान ने शांति बनाए रखने की अपील की है, महिलाओं से नौकरी में हिस्सेदारी बढ़ाने की बात भी कही। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा किसी से बदला नहीं लेंगे। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। तालिबान ने दुनिया से अफगानिस्तान में निवेश करने की अपील की। तालिबान ने कहा कि वो मीडिया को स्वतंत्र रूप से चलने देंगे, मीडिया अगर उनके मूल्यों का सम्मान करती है। तालिबान ने कहा कि 18 महीनों की बातचीत युद्ध चाहने वालों ने पटरी से उतार दी। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान को अब आजादी मिल गई। तालिबान ने लोगों से महिलाओं की सुरक्षा की अपील की। तालिबान ने महिलाओं से सरकारी नौकरी में शामिल होने की अपील की। अफगानी महिलाओं ने कहा कि तालिबान महिलाओं के साथ रेप करते हैं। अफगानी महिलाओं ने कहा कि पाकिस्तान के हाथों बिक गया अफगानिस्तान। अमेरिका ने कहा कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अफगानी जनता का आश्रय दिया जाएगा। पेंटागन प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि 22,000 परेशान अफगानी नागरिकों की अमेरिका जल्द मदद करेगा। यूएन ने कहा कि तालिबान राज में मानवाधिकारों की सुरक्षा करना बेहद मुश्किल काम है। अफगानी महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रदर्शन जिनेवा में यूएन के परिसर में हुए हिंसक प्रदर्शन। अफगानिस्तान पर तालिबान के अचानक कब्जे में नाटो चीफ चौंके, कहा अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं से चिंतित। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि वो अफगानिस्तान की मदद जारी रखेंगे, कहा अफगानिस्तान में शांति चाहते। सैकड़ों अफगानी नागरिक तालिबान के डर के साए में बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अपने नागरिकों और सैनिकों को बाहर निकालने के लिए ब्रिटिश सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी। अमेरिका ने कहा कि नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए तालिबान से बातचीत लगातार चल रही। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी मौजूद है जर्मनी की 180 नागरिक, कहा तालिबान के चेक पोस्ट की वजह से हो रही दिक्कत। तालिबानियों का क्रूरता का एक और वीडियो वायरल, कार चोरी के आरोपी के चेहरे पर कालिख पोत कर गाड़ी में बांधकर पूरे शहर में घुमाया। अफगानिस्तान में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया, राजनीति और प्रशासनिक कामों से महिलाओं को शामिल करने की मांग की। रूस के राजदूत ने तालिबान के नेताओं से बैठक के बाद कहा काबुल में शांति है, काबुल के हालात अशरफ गनी की सरकार से ज्यादा बेहतर।
विदेश मंत्रालय ने किया अफगानिस्तान सेल का गठन, भारतीयों को वापस लाने को लेकर किया विशेष सेल का गठन। नेता डिसूजा आज राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की नए अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे, सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ। दिल्ली रेप मामले में टाइम्स ऑन भारत की खबर का असर, कानून मंत्री किरण रिजिजू बोले पीयूष गोयल समेत स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। समित पात्रा ने टाइम्स ऑन भारत के खुलासे को लेकर तारीफ की, कहा सच्ची पत्रकारिता टाइम्स नाउ ने की। समित पात्रा ने राहुल को झूठा बताया, कहा इस प्रकार का संवेदनहीन व्यवहार राहुल गांधी की कर सकते हैं, ट्विटर को उनका अकाउंट फिर से लॉक कर देना चाहिए। दिल्ली में रेप पीड़ित बच्ची की मां ने राहुल गांधी के झूठ का खुलासा किया, राहुल गांधी ने नहीं ली थी फोटो साझा करने की अनुमति। टाइम्स ऑन भारत से पीड़ित मां ने कहा मुझसे इजाजत नहीं ली गई, जबकि कांग्रेस ने कहा कि इजाजत लेकर तस्वीरें साझा की गई। पीड़ित की मां ने बताया बच्ची की मौत के बाद आरोपियों ने 20,000 देने की बात कही, नहीं मानने पर बच्ची की लाश को चिता में फेंक दिया। दिल्ली नांगल से रेप पीड़िता के परिवार वाले पोस्को कोर्ट में जज के सामने बयान दर्ज कराने पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का बिना नाम लिए राहुल पर हमला, कहा राहुल गांधी ओछी राजनीति करते हैं। अजय माकन ने दिल्ली रेप मामले पर कहा हमने परिवार के लिए आवाज उठाई, हम लड़की के साथ खड़े हैं, हमारा मकसद उनको न्याय दिलाना था। पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति के साथ तोड़फोड़, घटना लाहौर में जिंदा हवेली में हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने महाराणा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़े जाने की निंदा की, कहा पड़ोसी देश चरमपंथी विचारधाराओं को बल देता है। पाकिस्तान में रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ने की बीजेपी अध्यक्ष ने निंदा की, कहा अल्पसंख्यक भाई खिलाफ ऐसी साजिश ना की जाए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की, बीजेपी नेता जावेद अहमद डार को उनके घर के बाहर गोली मारी। कुलगाम में बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की हत्या की जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट ने ली है, बीजेपी नेता को उनके घर के बाहर गोली मारी गई। पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए पहला भारतीय दल मंगलवार की शाम टोक्यो के लिए रवाना हो गया। यूपी के विधानसभा में आज पेश होगा सप्लीमेंट्री बजट, अनुपूरक बजट करीब 35,000 करोड़ का हो सकता है। सप्लीमेंट्री बजट के दौरान यूपी विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। सुनंदा पुष्कर मामले में अदालत आज आरोप तय करेगी, शशि थरूर की किस्मत का फैसला आज हो जाए। यूपी में 12 और एटीएस यूनिट बनेगी, मेरठ, अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर और देवबंद सहित कई जिलों में भूमि आवंटित की गई है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, सहारनपुर के देवबंद में बनेगा एटीएस कमांडो सेंटर, करीब 1.5 दर्जन एटीएस अफसरों की होगी तैनाती। यूपी के देवबंद में एटीएस सेंटर खोले बस सियासत शुरू, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव इमरान मसूद ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने के फैसले को चुनावी चाल बताया। उत्तराखंड में सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कर्नल अजय कौंठियाल होंगे सीएम उम्मीदवार। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, सरकार के जवाब के बाद कमेटी के गठन पर होगा फैसला। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर जल्द हो सकती है कार्रवाई, 15 से अधिक सांसदों के खिलाफ दी गई लिखित में शिकायत। यूपी के अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की कवायद, मैनपुरी का नाम बदलकर मयन नगर रखने का प्रस्ताव पर। एनआईए ने केरल के आईएसआईएस मॉड्यूल केस में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया, सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस में भर्ती कराने की साजिश चल रही थी। 100 करोड़ वसूली कांड पर ईडी ने अनिल देशमुख को 5वां समन भेजा है, आज पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया। अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। स्वास्थ्य मंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की, करीब 1300 करोड़ रुपए की कोविड पैकेज की घोषणा की। सीएम योगी के मिशन वैक्सीनेशन अभियान में यूपी ने बनाया कीर्तिमान, यूपी ने 6 करोड़ वैक्सीनेशन पूरी किए। फ्रांस में जंगल की आग थमने का नाम नहीं ले रही है, फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में जंगल की आग के बाद हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हैती को यूनाइटेड नेशन ने 8 मिलियन डॉलर में की मदद भेजी। भूकंप के बाद हैती के लोगों को अब तेज तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ा, तेज हवाओं से टेम्पररी शेल्टर्स उजड़ गए। सर्बिया ने अपने नागरिकों को कोविड का तीसरा टीका लगाना शुरू कर दिया है, सर्बिया में कोविड के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। मॉस्को में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश टेस्ट फ्लाइट के दौरान हुआ हादसा। तेज आंधी ने जर्मनी के उत्तरी हिस्से में भारी तबाही मचाई है, कई इलाकों में आपातकाल जैसे हालात। व्हाट्सएप ने अपने पेमेंट सिस्टम में बदलाव किया है, अब पेमेंट भेजने के साथ ही उसका बैकग्राउंड भी भेज सकेंगे। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में 15,000 की लिमिट हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब रोजाना सुनवाई होगी। एआरडब्ल्यू रैंकिंग 2021 जारी कर दी गई है, देश का टॉप इंस्टीट्यूट बना है आईएससी बैंगलोर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी दूसरे पायदान पर। विंटर सेशन में आ सकता है क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक, कैबिनेट ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। भारत पेट्रोलियम करेगी डीजल की होम डिलीवरी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जाएगी फ्यूल कार्ड फैसिलिटी।
निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजना पर सरकार ने 12,400 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। 8,555 आइटम इसमें मिलेंगे। 3,61,000 गांव में इंटरनेट पहुंचाने के लिए 40 कंपनियां रेस में। रिलायंस, टाटा, एलएनटी प्रमुख दावेदारों में से एक है। 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मिल सकती है 5,000 करोड़ की पूंजी। लिस्टिंग से पहले रेगुलेटरी नियमों का पालन करने में आसानी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनी पर अधिक फॉस्फेट ने आरंभिक निर्गम के लिए सीबी के पास दस्तावेज जमा करा। बैक टैक्सी प्लेटफॉर्म रैपिडो ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। 26 शहरों में सेवा, 4 गुना ग्रोथ। जेई मेन 2021 के चौथे फेज की परीक्षा के लिए हिसाब से एडमिट कार्ड जारी होगा। 24 अगस्त से 2 सितंबर तक होंगे एग्जाम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश सहित 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए शानदार मौका। बैंकों की कम दरों के बीच सरकारी योजना में मिल रहा है 7% से ज्यादा का रिटर्न। IRCTC ने महिलाओं के लिए शुरू की खास पेशकश। रक्षाबंधन पर मिल रहा है स्पेशल कैश बैक ऑफर। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जारी कर दिया है रजिस्ट्रेशन का मौका। सुपर ऐप लाने की तैयारी। मेडानी ग्रुप डिजिटल मार्केट में खोलेगा बढ़ावा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद ग्रोथ पटरी पर लौटी। पाबंदियों में ढील और वैक्सीनेशन का फायदा मिला। कामाख्या मंदिर के गर्भगृह के दर्शन कर पाएंगे फुली वेंटिलेटेड लोग। 18 अगस्त से हर घंटे 20 लोगों को मिलेगी इजाजत। टैक्स छूट के साथ चाहिए शानदार रिटर्न तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करें। बीते एक साल में दिया 93% का रिटर्न। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 30 रुपए महीने से भी कम में मिलेगा 4 लाख इंश्योरेंस। कोई भी व्यक्ति ले सकता है इसका फायदा। एनटीए ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। 15 से 24 सितंबर के बीच परीक्षाएं होंगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने रजिस्ट्रेशन और करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है। 20 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे आप। UKMSSG ने लैब टेक्नीशियन समेत 300 से ज्यादा पदों के लिए भर्तियां निकाली। भारत में बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक। 10 लाख जर्म प्लाज्मा को संरक्षण करने की क्षमता है। इंडियन ऑयल ने देश भर के मेधावी बच्चों के लिए मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉ क्लर्क की वैकेंसी के लिए आवेदन मंगाए। ओडिशा के सरकारी स्कूलों में हिंदी और संस्कृत के शिक्षकों के लिए 4,000 से ज्यादा पद खाली हैं।